Welcome students once again in Bipin Sinha's Dasara Stainless. Now I am going to discuss you 81 to 100. You have already discussed 1 to 80 questions earlier. Now I am going to start to discuss sentence improvement. Every exam must put this type of question. So you must aware of this sentence improvement. आप देखोगे यहाँ बोल्ड लेटर में आपके पास काले मोटे अक्षरों में कुछ शब्द होते हैं, आपके पास उसी को सही करना है. तो लेट्स स्टार्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट फ्रॉम 81 टू 100 क्वेश्चंस. 81 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे. 81 नंबर क्वेश्चन. ग्रीफ डिस्गाइज्ड इज ऑलमोस्ट पोटेंट देन ग्रीफ. ऑलमोस्ट पोटेंट देन यहां है. Almost potent than. अब than के पहले CD मांगता है. than के पहले CD. ये CD कहां है? नहीं है. It means उत्तर बनेगा दो नंबर. इसके बदले उत्तर होगा more potent than. क्वेश्चन नंबर 81 का उत्तर दो नंबर. क्वेश्चन नंबर 82. He is बेटर देन एनी बॉय. अरे एनी बॉय या एनी अदर बॉय? एनी अदर बॉय. इट मीन्स 82 का आंसर होगा नंबर 3. एनी बॉय गलत. देन एनी अदर बॉय. बिना अदर का आप तुलना करोगे कैसे भाई? तो क्या बना? ए देन एनी अदर बॉय. इट मीन्स उत्तर नंबर 3. उत्तर नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 83. अब आपके पास क्वेश्चन है 83 में. फ्यूअर रेनफॉल. रेनफॉल UCN बोले तो अनकाउंटेबल नाउन. और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां फ्यूअर तो काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए आता है. ये फ्यूअर का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल के लिए आता है. काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए आएगा. और यहां फ्यूअर रेनफॉल अनकाउंटेबल नाउन, इसका मतलब इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे. यहां लेस का प्रयोग होगा. फिर है लेस ट्रैफिक एक्सीडेंट्स. गौर करें यहां पर. अब अगला भाग है इसका लेस. ये एक नंबर. अगर यहां देखते हैं लेस ट्रैफिक और एक्सीडेंट्स. अब ये है प्लूरल. इसको आप कहते हो पीसीएन. पीसीएन और ये लेस. लेस लिटिल का कॉम्परेटिव. यह लिटिल का लेस हुआ. और लिटिल किसके लिए? यूसीएन के लिए. यूसीएन के लिए आता है. यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है. इसका मतलब दोनों, ये फ्यूअर के बदले लेस होना चाहिए और यहां एक्सीडेंट्स है तो एक्सीडेंट्स के लिए यहां फ्यूअर होना चाहिए. लेकिन आप ऑप्शन देखोगे थर्ड नंबर ऑप्शन में फ्यूअर रेनफॉल दे दिया. थर्ड नंबर ऑप्शन में फ्यूअर रेनफॉल नहीं होगा. सेकेंड नंबर ऑप्शन में लेस रेनफॉल आया लेकिन लेस ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आ गया. ये भी नहीं हो सकता. अतः उत्तर इसका नंबर होगा 1. क्यों भाई? लेस रेनफॉल ऑन हाईवे सेफ्टी. एक्सीडेंट्स को हटा ही दिया तो उत्तर नंबर 1. फीवर के बदले यहां ना फीवर होगा और यहां ना लेस होगा. ऊपर नीचे में उल्टा होना चाहिए था. यहां लेस होना चाहिए और यहां फीवर. आपके किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो हमारा उत्तर होगा नंबर 1. 83 का उत्तर 1. आइए क्वेश्चन नंबर 84 गौर करेंगे. अजीत इज बिगर स्कॉलर देन हिज ब्रदर. स्कॉलर पढ़ा लिखा विद्वान. क्या बिगर होगा? बिगर और स्मॉलर छोटा और बड़ा? नो. 84 का उत्तर होगा बेटर स्कॉलर. कैसा है? अच्छा स्कॉलर है. उत्तर अमर होगा 84 का नंबर 1. यहां बिगर स्कॉलर विद्वान गलत है. यह होगा बेटर
ए स्कॉलर, हाँ बेटर स्कॉलर, थर्ड नंबर सुपीरियर है, लेकिन सुपीरियर के बाद तो दैन नहीं होना चाहिए, टू लगना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर होगा नंबर वन, 84 का वन। 85 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे, बासमती राइस इज मोर सुपीरियर देन, क्या लिखा है? ये 85 उत्तर है, इसका उत्तर होगा नंबर तीन। आप देखो ध्यान से, मोर सुपीरियर और देन, सबसे पहले सुपीरियर के बाद टू लगेगा, यहां सुपीरियर हो गया सी डी, यहां मोर भी हो गया सी डी, तो डबल हो गया। डबल कॉम्परेटिव कहां प्रयोग करते हो? डबल प्रयोग नहीं करते हो, इसका मतलब यह देन भी आपका गलत है, यहां भी टू लगना चाहिए। पूरा उत्तर बनेगा सुपीरियर, सुपीरियर और टू, मोर नहीं होगा, सुपीरियर टू, सुपीरियर टू। उत्तर नंबर 85 तीन, द क्लाइमेट 86 नंबर क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ, तुलना हो रहा है, क्लाइमेट का तुलना हो रहा है, और आगे इज कूलर देन, क्या देन के बाद तमिलनाडु, देन के बाद तमिलनाडु, तो इस क्लाइमेट का तुलना जब करेंगे तो देन के बाद क्या होगा? डेट ऑफ, इसका मतलब यहां ये गलत होगा, और यहां उत्तर बनेगा द क्लाइमेट डैश डैश देन डेट ऑफ तमिलनाडु। ये डेट आया क्योंकि तुलना मैं कर रहा हूं क्लाइमेट का, इसलिए यहां पर होगा देन डेट ऑफ। उत्तर नंबर 86 का उत्तर तीन, 87 गौर करेंगे, 87 नंबर क्वेश्चन में, 87 ऑल नेशंस बिकम एग्रीकल्चरल स्ट्रांग, एग्रीकल्चरल स्ट्रांग, गौर करें, एग्रीकल्चरल और स्ट्रांग, स्ट्रांग एडजेक्टिव, स्ट्रांग एडजेक्टिव, स्ट्रांग बॉय है, जब ये स्ट्रांग एडजेक्टिव है तो इसके पहले क्या यह भी एडजेक्टिव होगा? कदापि नहीं होगा, यह हो गया आपका रॉन्ग। अब मैं क्या बनाऊंगा? एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, और एडवर्ब में क्या होगा? एग्रीकल्चरली स्ट्रांग, यानी आपका उत्तर बन गया, उत्तर नंबर इसका वन, क्या बनेगा? एग्रीकल्चरली स्ट्रांग, एग्रीकल्चरली स्ट्रांग, ये हो गया एडवर्ब और ये हो गया आपका एडजेक्टिव। हाँ, एग्रीकल्चरली स्ट्रांग, एडवर्ब की परिभाषा में आपने देखा एलवाई अवश्य लगता है, एग्रीकल्चरली स्ट्रांग। 87 का उत्तर नंबर वन, आगे बढ़ते हैं, आइए 88, देयर विल बी ब्लैक मर्डर व्हेन सी हियर्स दिस, नहीं कभी नहीं होगा। 88 एक फ्रेज है जिसका उत्तर होगा नंबर दो, ब्लू मर्डर होता है, ब्लू मर्डर होता है, ये ब्लू मर्डर होता है जिसका मतलब है निर्ममता, निर्ममता पूर्वक हत्या, ये ब्लू मर्डर, निर्ममता पूर्वक हत्या, तनिक भी सहृदय नहीं, हो गया उत्तर नंबर दो। 89 क्वेश्चन नंबर 89, एंड ऑरंगुटन्स इंटेलिजेंस इज एज सुपीरियर टू, सुपीरियर कॉम्परेटिव डिग्री, टू जरूर आया लेकिन इसके पहले एज का प्रयोग कदापि नहीं होगा, तब उत्तर होगा नंबर दो। 89 का उत्तर दो, एज सुपीरियर टू, यह एज का प्रयोग कदापि नहीं होगा क्योंकि ये तो सीडी है, तो सीडी के पहले एज कैसे आएगा? एज पीडी एज होता है, इसलिए उत्तर नंबर दो। क्वेश्चन नंबर 90, चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज, अक्षमता एंड स्पेशल नीड्स, जिनको जरूरत है कुछ खास जरूरतों का, है ऑल्सो हैव द राइट टू एजुकेशन, उन्हें एजुकेशन की जरूरत है जस्ट लाइक नॉर्मल चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन नाउन नॉर्मल एडजेक्टिव, कोई भी गलती नहीं है। उत्तर नंबर इसका होगा
अच्छा 91 नंबर 91 नंबर ध्यान से देखेंगे 91 नंबर देयर आर मेनी स्पेसीज ऑफ पैराकीट्स परजीवी इन इंडिया द रिकॉग्नाइजेबल आप 90 नंबर का उत्तर होगा नंबर 3 क्योंकि द रिकॉग्नाइजेबल ये पीडी हुआ आपको पता है द के साथ पीडी का प्रयोग कभी नहीं होगा द के साथ पीडी का प्रयोग नहीं होगा तो उत्तर बनेगा द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल क्या बनेगा द मोस्ट ये कभी नहीं होगा द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ये हो गया आपका द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल द प्लस एस डी ये हो गया द एस डी को लिया द एस डी को लिया तो उत्तर कितना नंबर 91 का 3 आइए 92 नंबर क्वेश्चन यहां देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन डिकेंस नॉवेल्स चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल लाइक मेनी राइटर्स जो बहुत सारे और भी राइटर्स हैं आर लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल उनका आत्मलेख है यहां किसी भी तरह का कोई गलती रहे 92 का उत्तर होगा नंबर 4 नो इंप्रूवमेंट क्लियर हुआ भाई हमेशा प्रैक्टिस में रहें प्रैक्टिस में रहेंगे कभी आप क्वेश्चंस को नहीं भूलेंगे आपके नियम रटने लायक नहीं है आपके नियम सिर्फ प्रैक्टिस के लायक है इसलिए आप उसे रटे नहीं प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट 93 क्वेश्चन नंबर 93 ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 मिस्टर चौधरी बॉट अ मशीन विथ अ मूविंग आर्म क्या लिखा ए मूविंग आर्म ये गलत है यार मूविंग मतलब यहां से वहां चले जाना क्या कोई मशीन यहां रखा तो ये क्या वहां चला जाएगा नहीं कोई कुर्सी यहां है तो क्या वहां चला जाएगा नहीं इसका बनेगा ए मूवेबल आर्म घूमने वाला ये हुआ घूमने वाला आप देखते हो ना चेयर रहता है हाथ वहां रहा वो ऐसे से घूम गया उसे हम लोग कहते हैं ए मूवेबल आर्म मूवेबल का वर्ड नंबर 1 में 93 का उत्तर 1 चले भाई आगे आई डू नॉट थिंक 94 नंबर क्वेश्चन आई डू नॉट थिंक हर्ष विल बीट मोहित हर्ष बीट करेगा मोहित को मैं नहीं समझता एट चेस में मोहित इज वन टू मच फॉर हिम मोहित ज्यादा है उससे बढ़िया जानता है इसमें भी कोई गलती नहीं है उत्तर अमर होगा 94 का 4 कोई गलती नहीं 95 क्वेश्चन नंबर 95 देयर इज नॉट ए लॉट ऑफ टाइम आप ध्यान देंगे 95 में कहता है देयर इज नॉट ए लॉट ऑफ टाइम सबसे पहले तो देयर इज नो टाइम होना चाहिए ये जब नाउन है तो यहां नॉट के बदले नो होना चाहिए आप देखो इसमें कहीं भी आपके पास अंडरलाइन नॉट का नहीं है अंडरलाइन है ए लॉट ऑफ टाइम यानी ए लॉट ऑफ तो आप याद रखो कभी भी ए लॉट ऑफ और नॉट का प्रयोग एक साथ नहीं होता है इसलिए इसके जगह पर हमें यूज करना पड़ेगा मच टाइम नॉट ए लॉट ऑफ एक साथ प्रयोग नहीं होगा इसलिए उत्तर बनेगा 95 का उत्तर बनेगा नंबर 3 आइए जी भाई 96 नंबर क्वेश्चन नंबर 96 गौर करेंगे द पेन इज बेटर देन सोर्ड सोर्ड माने तलवार अब क्या तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है इसलिए यहां पर आपके पास उत्तर होगा नंबर 3 द पेन इज माइटर देन माइटर शक्तिशाली माइटर शक्तिशाली उत्तर बनेगा माइटर 97 वहां देखेंगे 97 दे बोरोड द मनी यार उसने पैसा कर्जा लिया एट 6% एनुअली नो 6% पर एनम उत्तर बनेगा नंबर 2 6%
पर एनम। आप लोग बैंक जाते हो तो आप लोग देखते होंगे पर एनम, प्रति वर्ष की दर से हम लोग कहते हैं, तो यह हुआ पर एनम, यानी उत्तर बना 97 का नंबर दो। 98 नंबर क्वेश्चन यहां देखें भाई, 98 नंबर क्वेश्चन यहां देखें। ही फाउंड अ वुडन चेयर दैट हैज ब्रोकन, ही फाउंड अ वुडन चेयर दैट हैज ब्रोकन। सबसे पहले ध्यान दे, वुडन चेयर क्या कहता है, वुडन चेयर दैट हैज ब्रोकन। अब आप बताएं, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले चेयर है, क्या वह खुद टूटेगा, खुद नहीं टूट सकता है, इसका मतलब मेरे पास यहां पर उत्तर बनना चाहिए दैट हैज बीन ब्रोकन। यह चेयर अपने से टूटेगा ही नहीं, कोई ना कोई पर्सन इसमें होगा, तो ये आप देखोगे आपके ऑप्शन में कहीं भी ऐसा ऑप्शन में नहीं है। यहां उत्तर बनेगा दैट दैट हैज बीन ब्रोकन, लेकिन है नहीं, तो उत्तर बनेगा नंबर दो, टूटा हुआ लकड़ी का चेयर। तो इन सभी के बदले हमें यूज करना पड़ेगा क्या भाई, यूज करूंगा मैं, ये हो सकता था, याद रखना, यहां होगा ब्रोकन, वुडन और चेयर, ये करेक्ट हुआ, क्लियर। हां भाई, 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ, एवरी पार्ट ऑफ के साथ एवरी आएगा, नो, ईच पार्ट ऑफ, यहां है 90 नंबर का उत्तर होगा, 99 का एक नंबर, एवरी पार्ट ऑफ, ये ऑफ के पहले एवरी नहीं आएगा, बनेगा ईच पार्ट ऑफ, ये ईच का प्रयोग होगा, एवरी का प्रयोग नहीं होगा, ऑफ के पहले कभी भी ऑफ आ गया एवरी नहीं आ सकता, ईच आएगा, उत्तर नंबर ईच पार्ट ऑफ, 99 का उत्तर एक। नंबर 100, 100 में जाने के पहले आपको बता दूं, ये हमारा एडजेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, अभी इसके बाद हम लोग बहुत सारे और भी टाइम एंड टेंस, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सभी के आपके लेक्चर और प्लस प्रैक्टिस सेट सब आपके पास आ रहा है। अगर प्रॉब्लम हो, फिर से सुने, अगर आपको समस्या हो तो ये जो मेरा नंबर है, इस नंबर पर कभी भी आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में हमें पूछ सकते हैं, आप जिस क्वेश्चन में डाउट हो अवश्य हमसे बात करें, थैंक यू। अब आइए नंबर 100, नंबर 100 ध्यान दें, द मोर दे अर्न, द मोर आ गया और बाद में केवल मोर आया, द मोर दे अर्न, मोर दे स्पेंड, तो इस मोर के बदले क्या बनेगा, अगर ये द मोर है तो यह भी द मोर होगा, यह गलत यह सही, आप बताओ द मोर वाला कहां है, नंबर एक में, इसका मतलब 100 का उत्तर एक। ये एडजेक्टिव के हमने 100 क्वेश्चंस का आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया, अब आप निश्चित तौर पर पहले नंबर से जाकर 100 तक बनाए, और एक बार नहीं दो बार बनाए, तीन बार बनाए, ताकि जब एग्जाम्स में जाए तो आप 100% ये आश्वस्त रहे कि आप फटाक से उसको देखे और आपका वो बन गया, क्वेश्चन देखते ही बन जाए, तभी आप 12 से 13 मिनट में आपको बनाना है 25 क्वेश्चन। अगर पीटी की बात करें, मेंस में भी आप वैसा ही करोगे, तो आप ध्यान रखो, ज्यादा बार देखोगे बनाओगे तो कम समय में आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। थैंक यू वेरी